यू आर कॉजिंग अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम्स इन द कंडक्ट ऑफ द जुडिशियल वर्क, आपके खिलाफ क्यों नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने बताया है सुप्रीम इंजीनियर साहब ने कि आपके फ्यूज से गलती है, आप फ्यूज मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप जनरेटर मेंटेन नहीं कर पा रहे। आई हैड कॉल्ड द सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर एमपीवी, ही इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज नो डिसरप्शन इन पावर सप्लाई, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट मेंटेनिंग द फ्यूज विच ही इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। ही इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E&M, यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कॉजिंग डिसरप्शन ऑफ पावर सप्लाई इन द हाई कोर्ट। उन्होंने आपसे चर्चा भी की थी अरोरा साहब ने, उसके बाद क्यों नहीं सुधारा आपने? क्यों नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यू आर कॉजिंग अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम्स इन द कंडक्ट ऑफ द जुडिशियल वर्क, आपके खिलाफ क्यों नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जाए? क्यों लगता है उसको, क्यों नहीं ठीक करते आप? तो पीडब्ल्यूडी आप और किसके, कौन से विभाग से हैं? मैंने एमपीबी वाले को तो बुलाया ही नहीं, मैंने बोला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E&M, आपको तो बुलाया ही नहीं साहब, आपका तो पहले ही वो एसी साहब आके बता गए, आपको बुलाया ही नहीं मैंने, सॉरी, आप आई नेवर कॉल्ड यू, वेयर इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E&M? तो क्यों क्यों इनको बुला लाए आप जबरदस्ती के लिए? E&M बोला था मैंने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E&M बुला कर लाइए उनको, आपको तो कुछ कहा ही नहीं हमने जी। हम आ गए क्या, बुलाइए, क्यों नहीं आप यहां से मेंटेन कर पाते? जी जनरेटर से एसी चलता है, फिर एमपीवी का फॉल्ट कब था, हैं? कितने बजे, हाँ, और कितने बजे अभी आया है? आप ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इनकी अंडरटेकिंग लीजिए और इनसे ठीक कराइए, आज शाम तक व्यवस्था पूरी हो जाना चाहिए, कल से अगर पावर सप्लाई डिसरप्ट होगी तो मैं इनको नोटिस जारी करूंगा कंटेम्प्ट का। इनको जो जहां से मदद चाहिए, जो करना है, ही शुड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। उन्होंने बताया है सुप्रीम इंजीनियर साहब ने कि आपके फ्यूज से गलती है, आप फ्यूज मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप जनरेटर मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप कर लीजिए उसको, आज सुधार लीजिए आप।